बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फैसल प्रॉपर्टीज़। मैं हूं सईद मुजाहिद। व्यूवर्स, आज हम आए हैं DHA फेसिक्स लाहौर, जहां विजिट करेंगे स्पेनिश डिज़ाइन में कंस्ट्रक्टिव घर का ओवरव्यू। घर की कंप्लीट डिटेल वीडियो के अंदर ही शेयर की जाएगी, तो देखने वाला सिर्फ कैस्ट्रा के वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। व्यूवर्स, 4 बेड्स की अकोमोडेशन के ऊपर आपको घर डिज़ाइन मिल जाता है। कि एलिवेशन की बात करें तो एलिवेशन के अंदर आपको टाइल वर्क के साथ आपको रोटायर का यूज़ मिल जाता है। रिमेनिंग आपको यहाँ पर मोल्डिंग वर्क का भी आपको एलिवेशन के अंदर डिज़ाइनिंग देखने को मिल जाती है। फर्दर ये इसका एक्सटर्नल लॉन का एरिया है, जहाँ पे खूबसूरत आपको यहाँ वेल मेंटेन ग्रास के साथ आपको इंपोर्टेड प्लांट्स का यूज़ मिलता है। आउटर वॉल के अंदर अगेन आपको यहाँ पे टाइल वर्क, मोज़ेक और मोल्डिंग वर्क का यूज़ दिया गया है। फर्दर ये कार रैम का एरिया है, जो कि टोटल टाइल के साथ कवर किया गया है। मेन गेट व्यूवर्स इसका रॉट आयरन के साथ डिज़ाइन किया गया है, ब्लैक और गोल्डन कलर के साथ। फर्दर आप आगे आते हैं तो ये व्यूवर्स इसका कार गराज का एरिया है, जहाँ पे इजीली आपको 2 बड़ी गाड़ी खड़ी करने की स्पेस अवेलेबल दी गई है। गराज के फ्रंट वॉल की बात करें तो फ्रंट वॉल के अंदर भी अगेन आपको टाइल वर्क, मोल्डिंग वर्क और मोज़ेक के साथ आयते क्रीमा डिज़ाइन देखने को मिल जाती है। और ऊपर आपको गराज के सीलिंग डिज़ाइन भी खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है। ये इसकी व्यूवर्स गैलरी एरिया है। लेफ्ट साइड के ऊपर इसका इंटरनल लॉन का एरिया डिज़ाइन किया गया है। अगेन यहाँ पे वेल मेंटेन्ड इसका इंटरनल लॉन का एरिया है, जहाँ पे खूबसूरत ग्रास और इंपोर्टेड प्लांट्स यूज़ किए गए हैं। आउटर वॉल के अंदर ग्राफिक का यूज़ किया गया है। मेन एंट्रेंस व्यूवर्स यहाँ से देखिए, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की आप देख सकते हैं करीब से इसके फ्रंट एलिवेशन का ओवरव्यू। एंट्रेंस आप देख सकते हैं, जहाँ पर एंट्रेंस के ऊपर आपको 2 पिलर्स दिए गए हैं। पिलर्स के ऊपर आपको नोवा पेंट का यूज़ मिलता है। स्टेप्स के ऊपर आपको ग्रेनाइट का यूज़ दिया गया है। एंट्रेंस बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट रखी गई है, आप देख सकते हैं, जिसके अंदर आपको एंटीक ग्लास का यूज़ मिलता है। वुडन के साथ आपको डिज़ाइनिंग देखने को मिलती है और एक बड़े साइज का शैंडलियर भी इंस्टॉल किया गया है। एंट्रेंस यू शेप में आपको येलो पाइन के साथ आपको इसके एंट्रेंस दी गई है। येलो पाइन वुड का यहाँ पे मेन डोर दिया गया, कस्टमाइज इसमें रॉट आयरन का यूज़ किया गया। व्यूअर्स, अभी हम इसके घर के अंदर एंटर हो गए तो माशाल्लाह बहुत ही कमाल की लुक आपको देखने को मिल जाती है। अगेन बहुत ही डिटेलिंग के साथ आपको इस पूरे घर के अंदर काम देखने को मिल जाता है। स्मार्ट अप्लायंसेस, स्मार्ट स्विचेस के साथ ये घर आपको सेल के लिए अवेलेबल है मार्केट के अंदर। व्यूवर्स, सबसे पहले फ्लोर की बात करें तो फ्लोर के ऊपर आपको मल्टी पैटर्न टाइल का यूज़ दिया गया है। फर्स्ट फ्लोर के लिए आपको एंट्रेंस के बिल्कुल फ्रंट साइड के ऊपर स्टेयर्स दी गई हैं। इसके बिल्कुल साथ ही आपको यहाँ पर इसका पाउडर रूम दिया गया है। पाउडर रूम के अंदर आपको गोल्डन कलर की कस्टमाइज वेंटी वॉल हैंगिंग कमोड का यूज़ मिलता है। अगेन खूबसूरत आपको यहाँ पे ब्राउन कलर की और वाइट कलर कॉम्बिनेशन के साथ टाइल वर्क दिया गया है। अगेन सीलिंग के अंदर अगेन एंटीक ग्लास और वुड के साथ आपको सीलिंग डिज़ाइन दिया गया है। ऊपर आपको इसका मिरर इंस्टॉल मिलता है। एंट्रेंस के बिल्कुल लेफ्ट साइड के ऊपर आपको इसका ड्राइंग और डाइनिंग रूम डिज़ाइन दिया गया है। आप देख सकते हैं यू शेप के अंदर आपको येलो पाइन के और एंटीक ग्लास के साथ आपको इसके डोर डिज़ाइन मिल जाते हैं। व्यूअर्स, अभी हम आ गए इसके ड्राइंग रूम में। ड्राइंग और डाइनिंग कंबाइन दिया गया आपको। फ्लोर के अंदर आपको वुडन फ्लोरिंग, फ्रंट एलिवेशन वाली साइड के ऊपर आपको एल्युमिनियम की वेंटिलेशन विंडोज़ दी गई हैं। ऊपर आपको इसका इन्वर्टर डिज़ाइन दिया गया है। फायरप्लेस इसका आपको दिया गया है एंट्रेंस के बिल्कुल फ्रंट साइड के ऊपर। आपको ऊपर खूबसूरत इसका विक्टोरियन स्टाइल का आपको मिरर डिज़ाइन दिया गया है। रिमेनिंग वॉल के अंदर आपको मोल्डिंग वर्क और पेंट के साथ आपको इसकी वॉल डिज़ाइन दी गई है। सीलिंग की बात करें तो सीलिंग के अंदर आपको खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन दिए गए हैं। आपको उस साइड से भी जाकर इसका सीलिंग का ओवरव्यू करवाता हूँ। फीचर्ड वॉल आपको व्यूवर दी गई है इसके डाइनिंग वाली साइड के ऊपर। अगेन एंटीक ग्लास के साथ, मोल्डिंग वर्क के साथ आपको इसकी फीचर्ड वॉल डिज़ाइन देखने को मिल जाती है। वेंटिलेशन के लिए अगेन यहाँ पे विंडो अवेलेबल है। आपको सेंटर से इसका सीलिंग का ओवरव्यू करवाऊँ, आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट किस्म के आपको यहाँ पे सीलिंग डिज़ाइन दिए गए हैं। खूबसूरत गोल्डन कलर का आपको यहाँ पे शैंडलियर दिया गया है। अब फर्दर आपको बाकी अकोमोडेशन उसका ओवरव्यू करवाता हूँ। अभी हम आ गए हैं व्यूवर्स इसके टीवी लॉन्च की तरफ, उसका ओवरव्यू कर लें। टीवी लॉन्च एरिया फ्लोर के अंदर आपको 2.5x5.5 की इंपोर्टेड टाइल दी गई है। फ्लोर के अंदर वेंटिलेशन के लिए आपको खूबसूरत एल्युमिनियम के विंडोज़ दी गई हैं। एंट्रेंस की राइट साइड के ऊपर मल्टीमीडिया वॉल अगेन खूबसूरत बनाई गई है यूवी शीट के साथ। बॉटम पे आपको ड्रॉज
दिए गए हैं। राइट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं गोल्डन ट्रिम्स का भी यूज़ किया गया है। टीवी लॉन्च का सीलिंग डिज़ाइन, बड़े साइज का शेल्टर दिया गया है टीवी लॉन्च के अंदर। सीलिंग डिज़ाइन अगेन खूबसूरत विक्टोरियन स्टाइल के सीलिंग डिज़ाइन। लेफ्ट साइड के ऊपर एंट्रेंस पे आपको इसका ब्रांडेड किचन दिया गया ग्राउंड फ्लोर में, उसका ओवरव्यू करते हैं। उससे पहले आपको गेन यहाँ पे इसकी स्मार्ट अप्लायंसेस उसका ओवरव्यू करवा दूँ। अभी हम आ गए व्यूअर्स इसके ब्रांडेड किचन में, आप देख सकते हैं इसका ब्रांडेड किचन। लेफ्ट साइड से आपको यूवी शीट के साथ इसकी कैबिनेट डिज़ाइन की गई है, मर्करी ग्लास का यूज़ किया गया है। हायर की टू डोर रेफ्रिजरेटर इंस्टॉल मिलता है आपको। वॉशिंग के लिए वॉश बेसन दिया गया है। सेपरेट एंट्रेंस मिलता है आपको गैलरी एरिया से। राइट साइड से आपको इसका ओवरव्यू करवाऊँ तो आपको यहाँ पे इसका बेकिंग ओवन इंस्टॉल मिलता है स्लैब्स के ऊपर। आपको अगेन यहाँ पे कुरियान का यूज़ मिलता है। रिमेनिंग आपको कैबिनेट्स की यूवी शीट्स मर्करी ग्लास के साथ मिल जाती हैं। फायर बर्नर आपको इंस्टॉल मिलेगा यहाँ पे। स्मार्ट रेंज हुड भी इंस्टॉल दिया गया है। ऊपर सीलिंग डिज़ाइन व्यूअर्स देख सकते हैं आपको किचन का भी आपको खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन। अब चलते हैं हम इसके बेड की तरफ, उसका ओवरव्यू करते हैं। व्यूअर्स ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आपको एक बेड की अकोमोडेशन दी गई है। अगेन फ्लोर के अंदर आपको टाइल वर्क और वुडन का भी यूज़ मिल जाता है। एंट्रेंस के बिल्कुल फ्रंट साइड के ऊपर टाइल का यूज़ दिया गया है। इसके बिल्कुल साथ ही आपको यहाँ पे वुडन फ्लोरिंग भी दी गई है। उससे पहले आपको यहाँ पे इसको एंट्रेंस की सीलिंग उसका ओवरव्यू करवाऊँ। वुडन के साथ आपको इसकी सीलिंग डिज़ाइन दिया गया एंट्रेंस के बिल्कुल ऊपर। और थोड़ा सा आप आगे आते तो फीचर्ड वॉल सेंटर में आपको कुशनिंग के साथ राइट और लेफ्ट आप देख सकते हैं वुड के साथ आपको मिल जाती है इसकी फीचर्ड वॉल। अगेन यहाँ पे सीलिंग डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत दिया गया है जिसमें स्पॉटलाइट और रोबलाइट का यूज़ मिलता है। हायर का इन्वर्टर भी इंस्टॉल दिया गया इस रूम में। वेंटिलेशन के लिए विंडो भी है। इसके बाद इसका अटैच वॉशरूम, वॉशरूम में आपको एंट्रेंस पे राइट साइड के ऊपर कस्टमाइज वेंटी एलडी मिरर आप देख सकते हैं करीब से बहुत ही खूबसूरत आपको यहाँ पे इसका एलडी मिरर दिया गया है। इसके ऑपोजिट साइड के ऊपर आपको मर्करी ग्लास की फुल साइज़ की आपको यहाँ पे वार्डरोब भी दी गई है। फ्लोर के अंदर आपको टाइल वर्क किया गया है। थोड़ा सा आप आगे आते हैं यहाँ पे आपको सेपरेट शावर कैबिन एरिया जकोजी भी आपको इस वॉशरूम के अंदर इंस्टॉल मिल जाती है। एसेसरीज़ की बात करें तो यहाँ पे आपको टोटल इंपोर्टेड एसेसरीज़ आपको यहाँ पे इंस्टॉल मिलेंगी। विरोना की एसेसरीज़ आपको यहाँ पे इंस्टॉल दी गई हैं। अभी हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ, उसका ओवरव्यू करते हैं। व्यूवर्स फर्स्ट फ्लोर की एंट्रेंस बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट रखी गई है। कर्व शेप में आप देख सकते हैं प्लांटर्स इंस्टॉल मिलेंगे आपको। स्टेप्स के ऊपर आपको वुडन के स्टेप्स डिज़ाइन दिए गए हैं। रेलिंग की बात करें तो रेलिंग के अंदर आपको रॉट आयरन का यूज़ मिलेगा। टॉप आपको इसका वुड का गो ब्लैक और गोल्डन कलर का यूज़ दिया गया है। रिमेनिंग वॉल्स के अंदर आपको यहाँ पे नोवा पेंट का यूज़ मिलेगा। अभी ऊपर से जाके आपको इसकी डबल हाइटेड लॉबी उसका ओवरव्यू करवाता हूँ। व्यूअर्स ये इसकी डबल हाइटेड लॉबी देख सकते हैं। शैंडलियर बड़े साइज़ का दिया गया क्रिस्टल में गोल्डन कलर का। सीलिंग के अंदर भी अगेन आपको गोल्डन कलर का यूज़ मिलता है। रिमेनिंग वॉल के अंदर आपको नोवा पेंट का यूज़ मिलेगा। एंट्रेंस के बिल्कुल फ्रंट साइड के ऊपर आपको फर्स्ट बेड की अकोमोडेशन मिलेगी, उसका ओवरव्यू करते हैं। ये भी व्यूअर्स इसका बेड फर्स्ट है फ्रंट एलिवेशन वाली साइड पर। फ्रंट एलिवेशन वाली साइड के ऊपर आपको वेंटिलेशन के यू शेप में विंडोज अवेलेबल हैं। ऊपर आपको सीलिंग डिज़ाइन इसका दिखाएं तो एलिगेंट आपको सीलिंग डिज़ाइन देखने को मिलेगा। फ्लोर के अंदर गेन आपको 2.5x 5.5 की टाइल का यूज़ मिलता है। फीचर्ड वॉल की बात करें तो फीचर्ड वॉल में सेंटर के अंदर मोल्डिंग वर्क और वॉलपेपर का यूज़ मिलेगा। राइट और लेफ्ट साइड के ऊपर आपको एंटीक ग्लास और वुड के ट्रिम्स के साथ आपको इसकी फीचर्ड वॉल डिज़ाइन देखने को मिलेंगी। इन्वर्टर आपको राइट कॉर्नर में मिल जाता है। उसके बाद भी व्यूअर्स राइट साइड के ऊपर आपको टेरेस एरिया की एंट्रेंस भी दी गई है। वेंटिलेशन के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं इसके अटैच वॉशरूम में। वॉशरूम में एंटर होते हैं तो राइट साइड के ऊपर आपको कस्टमाइज वेंटी ऊपर एलडी मिरर इसका इंस्टॉल मिल जाता है। इसके ऑपोजिट साइड के ऊपर आपको फुल साइज़ की वाटर मिल जाती है। सेंटर के अंदर मर्करी ग्लास का यूज़ दिया गया है। राइट और लेफ्ट साइड के ऊपर आपको हाई ग्लो शीट्स का यूज़ मिलेगा। शावर कैबिन एरिया आप देख सकते हैं यू शेप में शावर कैबिन एरिया डिज़ाइन दिया गया है। टेम्पर्ड ग्लास का आपको यहाँ पे डोर मिलेगा। वॉल हैंगिंग कमोड का भी यहाँ पे यूज़ दिया गया है। शावर आपको देख सकते हैं
टाइल वर्क आप देख सकते हैं व्यूअर्स, बहुत ही एलिगेंट और फाइन वर्क के साथ आपको इस टाइल वर्क दिया गया वेरोना की। आपको यहाँ पे एक्सेसरीज इंस्टॉल मिलेंगी। इसके बाद चलते हैं इसकी बाकी अकोमोडेशन की तरफ, उसका ओवरव्यू करते हैं। व्यूअर्स इसके एक ओपन टेरेस एरिया की भी अवेलेबिलिटी दी गई है इस फ्लोर पे, आप देख सकते हैं। रूम से भी आपको यहाँ पे सेपरेट इसकी एंट्रेंस आप असेस कर सकते हैं रूम से भी। फ्लोर के अंदर आपको यहाँ पे टाइल वर्क दिया गया है, प्लांटर्स इंस्टॉल मिलेंगे। वॉल के अंदर आपको मोल्डिंग वर्क और सीएनसी आयरन के साथ इसकी डिज़ाइनिंग दी गई है। इसके बाद फर्दर आप आगे चलते हैं, टेरेस एरिया से आप आगे आते हैं तो आपको इसकी ओपन किचन और एक टीवी लॉन्च की अवेलेबिलिटी मिलती है। फ्लोर के अंदर आपको गेन सेम टाइल वर्क दिया गया है। ओपन किचन के अंदर भी आपको मर्करी ग्लास और यूवी शीट ऐसी कैबिनेट्स डिज़ाइन दी गई हैं। फायर बर्नर, वॉशिंग के लिए स्पेस अवेलेबल है। राइट साइड की वॉल के अंदर आपको सेंटर के अंदर मोल्डिंग वर्क और वॉलपेपर का यूज़ मिलता है। राइट और लेफ्ट साइड के ऊपर आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो अवेलेबल है। टेरेस एरिया की एंट्रेंस भी आप यहाँ से भी असेस कर सकते हैं। आप ओपन टेरेस एरिया में जाने के लिए हायर का इन्वर्टर इंस्टॉल मिलेगा आपको यहाँ पे भी। सीलिंग अगेन यहाँ पे खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन दिया गया है। इसके बिल्कुल साथ ही आपको यहाँ पे भी एक स्पेस अवेलेबल है, आप इसको एज अ स्टोर रूम इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं इसके साथ ही इसके सेकंड बेड की अकोमोडेशन की तरफ। ये भी बोले इसका बेड सेकंड है। फ्लोर के अंदर आपको गेंद सेम पैटर्न के टाइल का यूज़ किया गया है। फीचर्ड वॉल के अंदर आपको मोल्डिंग वर्क और वॉलपेपर का यूज़ मिलता है। वॉल हैंगिंग लाइट्स यहाँ पे आपको मिलेंगी। ऊपर सीलिंग की बात करें तो यहाँ पे अगेन सीलिंग का डिज़ाइन बहुत ही एलिगेंट दिए गए हैं आपको। आप इस साइड से चेक कर सकते हैं, आप टेरेस एरिया की एंट्रेंस के लिए आपको विंडो अवेलेबल है। इसके बाद ये इसका अटैच वॉशरूम है व्यूअर्स। एंट्रेंस के बिल्कुल फ्रंट साइड के ऊपर आपको सर्कल शेप में इसकी कस्टमाइज बेंटी विक्टोरियन स्टाइल का मिरर दिया गया है। सेपरेट शावर कैबिन एरिया टेम्पर्ड ग्लास के साथ। वॉल हैंगिंग कमोड का यूज़ मिलता है आपको। खूबसूरत टाइल वर्क किया गया पूरे वॉशरूम के अंदर, एलिगेंट किस्म का यहाँ पे आप देख सकते हैं। बहुत डिटेल के साथ आपको टाइल वर्क देखने को मिलता है। वॉशरूम के अंदर ही आपको इसकी वार्डरोब भी दी गई है, आप देख सकते हैं फुल साइज़ की यहाँ पे वार्डरोब भी वॉशरूम के अंदर मिल जाएगी। अभी हम चलते हैं इसके थर्ड और लास्ट बेड की तरफ, उसका ओवरव्यू करते हैं। व्यूअर ये इसका थर्ड और लास्ट बेड, अगेन फ्लोर के अंदर सेम पैटर्न की टाइल का यूज़ किया गया है। फीचर्ड वॉल के अंदर अगेन मोल्डिंग वर्क और एंटीक ग्लास और वॉलपेपर का यूज़ मिलता है आपको। राइट कॉर्नर के अंदर आपको अगेन वुडन की ट्रिम्स का यूज़ मिलता है। सीलिंग डिज़ाइन के अंदर आपको अगेन एलिगेंट सीलिंग डिज़ाइन। लेफ्ट कॉर्नर के अंदर आपको इसका हायर का इन्वर्टर भी इंस्टॉल मिलेगा। वेंटिलेशन के लिए आपको विंडो भी अवेलेबल है। इसके साथ चलते हैं इसके अटैच वॉशरूम में। वॉशरूम में एंटर होते हैं तो आपको इसकी सबसे पहले कस्टमाइज वेंटी इंस्टॉल मिलेगी। ऊपर इसका मिरर, वॉल हैंगिंग कमोड का भी यूज़ दिया गया है। शावर कैबिन को सेपरेट किया गया है टेम्पर्ड ग्लास के साथ। अगेन व्यूअर्स आप देख सकते हैं इसके वॉशरूम के अंदर भी टोटली टाइल वर्क किया गया, खूबसूरत टाइल वर्क किया गया वॉशरूम के अंदर। एक्सेसरीज में आपको अगेन यहाँ पे वेरोना की एक्सेसरीज आपको इस वॉशरूम में भी इंस्टॉल मिलेंगी। वॉशरूम के अंदर ही आपको अगेन फुल साइज़ की आपको वार्डरोब भी दी गई है जी। तो व्यूअर्स ये था 11 मरले स्पेनिश डिज़ाइन में कंस्ट्रक्टिव घर का ओवरव्यू। 4 बेड्स की अकोमोडेशन के ऊपर आपको ये घर सेल के लिए अवेलेबल है मार्केट में। इसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस इसकी व्यूअर्स 7,80,00,000 इसकी आस्किंग प्राइस है, जो कि नेगोशिएबल है। मज़ीद आप इस घर को विजिट करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए सेल नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप इसका घर को विजिट भी कर सकते हैं। वीडियो हमारी पसंद है तो व्यूवर्स हमारे चैनल फैसल प्रॉपर्टीज़ को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और व्यूवर्स अपनी राय से हमें ज़रूर गा करते रहा करें ताकि हम आपके लिए आपकी पसंदीदा वीडियोस लेकर आया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।